मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि संजय एंटी नेशनल नहीं है, वो एक बहुत बड़े बहुत अच्छे नेक इंसान का बेटा है और वो एंटी नेशनल नहीं हो सकता। बंदूक तो लिए थी, जैसे कि आपने भी सुना और मैंने भी सुना है, तो द लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स एंड ही विल हैव टू बेयर विद व्हाटएवर वर्डिक्ट इज गिवन। Whatever he did for his self-protection when he was being threatened with the lives of his sister, the abduction of his sister, the ruination of his father had been attacked once at a meeting at a station. He was going through terrible trauma. इल्जाम अमिताभ बच्चन पर भी लगाए गए थे। लोगों ने चीख चीख कर कहा कि वो बोफोर्स के दलाल हैं, उन्होंने पैसा खाया है। नतीजा क्या हुआ? कोई इल्जाम साबित नहीं कर पाया। आज यहाँ सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट की गैदरिंग है। टेल सज्जू दैट वी लव यू एंड वी आर विद यू एंड वी विल डू एनीथिंग व्हाट वी कैन। बट ऑफ द केस कोर्ट में हम कुछ बोल नहीं सकते, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इज एन इमोशनल फीलिंग ए बैग विज सिटिंग इन द जेल, उसको ये फील दे रही कि सब फ्रेंड्स, सब मेकर, सब आर्टिस्ट, सब टेक्नीशियंस आर विद यू। जस्ट द इमोशनल थिंग, नथिंग एल्स इज गोइंग टू बी। I just pray that he's all right inside. I mean, he's a very nice guy. I can just say that. उसने भले ही बंदूकें और बाकी की चीज़ें ली होंगी, मगर एक ऐसा संगीन जुर्म वो कर नहीं सकता है। वो उतना ही देश प्रेमी है, देशभक्त है, जितना मैं हूँ या आप हैं या कोई और है। और उसे ये बताना चाहते हैं कि हम उसके साथ हैं। We are thinking everything positive. We are positive thinkers. We are quite confident things will go right with our prayers. Everything should be okay.